वो शरारत यानी बदी की राह पर था। वो दमिश्क के मसीहियों के खिलाफ अपने मंसूबा पर अमल करने को आगे बढ़ रहा था। मगर याद रहे बाज़ औक़ात खुदा का फजल गुनाहगारों पर उस वक्त काम करता है जब वो बदतरीन इक़दाम कर रहे हैं। उस वक्त खुदा का फजल काम करता है, इससे खुदा के रहम और कुदरत दोनों का जलाल जाहिर होता है। ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है।